छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रही है कांग्रेस और बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। आप माफी मांग रहे हैं, आपको 4 दिन 5 दिन लगे माफी मांगने में भी। और दूसरी बात यह है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपके दिल में माफी नहीं है। आप केवल और केवल वोट के लिए, कहावत है ना कि वोट के लिए सब कुछ करेंगे, ये केवल वोट के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको किसी धर्म से, महाराजा से, छत्रपति महाराज से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल वोट से लेना देना है। कोई अनुभव वगैरह नहीं है। कल का जो अजीत पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कार्यक्रम किया, उसको आंदोलन नहीं कहा। एक प्रकार से उन्होंने उस घटना पर दुख व्यक्त किया, तो हमको सबको दुख है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, अजीत दादा ने माफ़ी मांगी, मैंने भी माफ़ी मांगी, तो हम सभी को दुख है। दुख व्यक्त करने का अपना अपना तरीका है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी है। टीवी 9 से खास बातचीत में शिवसेना उद्धव गुट की नेता इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने अपोलॉजी किया है, सॉरी बोला है कि जो मूर्ति गिरी है, आपका क्या प्रतिक्रिया? वो माफी मन से माफी नहीं है, वो राजनीतिक माफी है। वो जानते हैं महाराष्ट्र में किस तरीके का आक्रोश है, जिस तरीके से काम हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ। आज हर महाराष्ट्रवासी को आहत पहुंची है, जो कृत्य काम हुआ है इनके हाथों से। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। 8 महीने पहले अब पता चल रहा है किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचारी हुई है। ये पूरी सरकार जो है धोखे और खोखे वाली सरकार है। उन्होंने हमारे जो आराध्य देव हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ भी भ्रष्टाचार किया। अभी पता चल रहा है कि परमिशन थी 6 फीट की मूर्ति बनाने की, बना दी 35 फीट की। तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इट वॉज भ्रष्टाचार एट द हाइस्ट पीक। और ये जो मूर्ति गिरी है वो सबके मन में आहत पहुंची है। प्रधानमंत्री की माफ़ी इज़ टू लिटिल टू लेट, और अब माफ़ी का समय भी नहीं रहा है। नो वन इज़ पार्डनिंग देम। सबके मन में यही आक्रोश है कि जो भ्रष्टाचार आराध्य देव पे कर सकते हैं, वो महाराष्ट्र वासियों के साथ कब धोखा दे सकते हैं, सब जानते हैं।